गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है, हम ऑप्टिक शुरू करने जा रहे हैं। इस साल सिलेबस के अंदर आपका रिफ्लेक्शन जो है वो डिडक्ट हुआ है, रिलेटेड सिलेबस में आया है, इस करके हम अब रिफ्रैक्शन टॉपिक से हमारा ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन में होता क्या है? When a light incident on a transparent medium, ठीक है, such as glass or water, ठीक है, a part of light is refracted and other part of light is transmitted, मतलब refracted into the medium। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि जब हम light को किसी transparent medium पे incident करवाते हैं तो उसका कुछ part देखिए आप refract हो रहा है और बाकी बचा हुआ part जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इक्वल होगा, ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे हम किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है। तो आई इज इक्वल टू ई, इसको मैं ई का नाम दे दूंगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो इस केस में आई हमेशा ई के बराबर रहेगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में देखिए बेंडिंग हो रही है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो ये देखिए ये बेंड कर रही है टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड लाइट का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। तो इस केस में आप देखिए आई जो है वो आर के बराबर नहीं है, लाइट बेंड हुई है, तो आई इज नॉट इक्वल टू आर। ये सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। अब उस स्टूडेंट पूछेंगे कि हाँ भी लाइट बेंड क्यों होती है, तो चलिए हम बताते हैं कि लाइट बेंड क्यों होती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर करती है तो क्या होगा, लाइट बेंड हो जाती है किसकी तरफ, टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब लाइट रेयर मीडियम से मतलब एयर टू मीडियम टू, जो भी डेंसर है, कुछ भी हो सकता है, ग्लास वाटर वगैरह कुछ भी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, मतलब एयर से ज्यादा डेंसर है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। ये बेंडिंग होती किस वजह से है, अब आप देखिएगा जब लाइट एक मीडियम से मीडियम वन टू मीडियम टू जब एंटर करेगी, मतलब क्या है, मीडियम वन क्या है रेयर मीडियम है, मीडियम टू क्या है डेंसर मीडियम है। जब मीडियम वन से मीडियम टू में एंटर करेगी तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ज्यादातर जो लोग है वो लाइट को क्या किस फॉर्म में समझते हैं, एक थिन रे मतलब पतली एक रे के फॉर्म में इसको कंसीडर करते हैं, सिंगल लाइन की फॉर्म में इसको कंसीडर करते हैं। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट में ये चीज एप्लीकेबल भी है, बट हर एक चीज में ये एप्लीकेबल नहीं है। हम इस केस में लाइट को क्या मानेंगे, एक एक्सटेंडेड सोर्स मानेंगे विड्थ वाइज, मतलब लाइट सिंगल लाइट ना होकर के ग्रुप ऑफ लाइट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ बीम से बनी हुई है। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स मान के हम करेंगे तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ गाड़ी का, आपने देखा है ये गाड़ी ट्रेवल कर रही है स्मूथ रोड पे और ये रफ रोड, हम मान लेते हैं रफ रोड जो है वो थोड़ा ज्यादा डेंसर है। क्यों? क्योंकि जब रफ रोड में गाड़ी एंटर होगी तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। वही सेम रेयर टू डेंसर लाइट के केस वाला, जब लाइट रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। अब वेलोसिटी कम होने का इफेक्ट क्या होगा बेंडिंग पे, वो देखिए। ये देखिए गाड़ी के, मान लो ये टायर है, चार टायर ये इस तरफ है, जब एक टायर रफ रोड पे एंटर करता है तो क्या होता है, ये टायर की जो वेलोसिटी है मतलब जिस स्पीड से घूम रहा था वो स्पीड कम हो जाएगी। अब इस टायर की तो स्पीड कम होगी बट ये जो टायर है वो अपने नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ये हिस्सा धीरे हो गया और ये हिस्सा अभी भी उसी स्पीड से चल रहा है, तो क्या होगा, अब एक हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो स्लो हो गया तो ये धीरे मूव करेगा और ये अभी भी फास्ट मूव करेगा, तो गाड़ी क्या होगी, अपने आप बेंड होना शुरू हो जाएगी। वही चीज लाइट के केस में, तो गाड़ी यहां से बेंड होनी शुरू हो गई, वही चीज लाइट के केस में है।
अब लाइट का ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए आप, ये जो पोर्शन है ये डेंसर मीडियम को टच कर गया, मतलब इंटरफेस पे टच कर गया इंसिडेंट, ठीक है, कर गया, और ये पोर्शन अभी भी नॉर्मल कंडीशन में है, एयर में ही है। तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन ज्यादा तेजी से मूव करेगा और ये पोर्शन कम तेजी से, वही गाड़ी वाला एग्जांपल। तो क्या होगा, लाइट बेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और बेंड कहां होगी, नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, ये रीजन है हमारा बेंडिंग का। मतलब एक अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रांसमिट करती है, मतलब अगर एंटर करती है किसी मीडियम के अंदर, ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, तो उसमें बेंडिंग शुरू हो जाएगी, तो वो होती है हमारा रिफ्रैक्शन। अब कई बच्चों का सवाल होता है कि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग होगी ही होगी, अगर बेंडिंग होगी तभी हम उस चीज को रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो वो चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बेंडिंग है, बेंडिंग किस वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन बेंडिंग पे डिपेंड नहीं करती, रिफ्रैक्शन क्या, जस्ट चेंज इन मीडियम। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर कर जाती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। क्योंकि कई मैंने देखा है कि अभी कई टीचर क्या बोलते हैं कि अभी अगर नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है लाइट तो वो बेंड नहीं हो, मतलब बेंड नहीं, बेंडिंग नहीं हो रही, तो मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बेंडिंग किस वजह से हो रही है, वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, ठीक है। रिफ्रैक्शन का बेंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, रिफ्रैक्शन जस्ट चेंज इन मीडियम। ये देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे एंटर कर रही है, तो आप देख रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, जैसे कि मैं आपको इस स्लाइड में दिखाना चाहता हूं, जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है तो क्या हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी और रिफ्रैक्शन इसको बोला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लो ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लो ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि पहले ये सब एक्सपेरिमेंटल है, जैसे कि पहले स्टडी किया गया कि हाँ भी 140 एडी की बात कर रहा हूं मैं, एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, ग्रीक के साइंटिस्ट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, टेबुलेट किया, ग्रीक के साइंटिस्ट का नाम क्या था, ग्रीक साइंटिस्ट एटेलेमी थे, इन्होंने 140 एडी के अंदर ऑब्जर्व किया कि अगर हम लाइट को अलग अलग मीडियम, अलग अलग एंगल पे, इंसिडेंट एंगल पे, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे इंसिडेंट करवा रहे हैं अलग अलग एंगल पे, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आई वन पे मान लो उसका ऑब्जर्वेशन से आया, उसको पता लगा आर टू रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है, आई टू से मान लो रिफ्रैक्टिव एंगल R2 आ रहा है, ठीक है, I3 से रिफ्रेक्टिव एंगल क्या आ रहा था, R3 आ रहा था। तो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, उसको पता लगा जब भी हम लाइट को अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं तो रिफ्रेक्टिव एंगल अलग अलग आ रहा है, बट उस टाइम वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पाया था। उसके बाद आया स्नेल, स्नेल ने 1621 में स्नेल ने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया। उसने बोला कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर आया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम दिया उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप म्यू से भी डिनोट कर सकते हो, एन से भी डिनोट कर सकते हो, कुछ बुक में म्यू मिलेगा, कुछ बुक में एन मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एन यूज कर लेता हूं, N12, N12 का मतलब क्या है, मीडियम वन से लाइट कहां से ट्रेवल हो रही है, मीडियम वन से मीडियम टू में, ठीक है, क्लियर। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर आया, कांस्टेंट हुआ, ठीक है, और जो वो कांस्टेंट का नाम क्या पड़ा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम
रेयरर, मतलब रेयरर मतलब द मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मच ए मीडियम इज डेंसर और रेयर. ठीक है, सिर्फ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, कितना कौन सा मीडियम कितना डेंसर है और कितना रेयर है. ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है उसकी कोई एक जैसे हम बोलते हैं फिजिकल वैल्यू नहीं होती. ठीक है, इसको कंपेयर करा जाता है हम एयर से, किसी भी मीडियम को हमने एयर में सेट कर दिया. जैसे एयर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो है 1. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में एयर को हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया. किसी चीज को हम कंपेयर करने जाएंगे तो एक चीज हमें स्टैंडर्ड रखनी पड़ती है, तो एयर को हमने स्टैंडर्ड मान लिया. हमने मान लिया एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 होता है. अब एयर से कंपेयर करेंगे हम किसी मीडियम को कि हाँ भी रिफ्रेक्टिव जो ये मीडियम है वो एयर से कितना ज्यादा डेंसर है. जैसे ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो आता है अपने पास वो आता है 1.5. इसका मतलब क्या है, जो ग्लास है वो एयर से 1.5 टाइम्स डेंसर है. ठीक है, अब अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना साइन आई और साइन आर हमें पता होगा तो हम अलग अलग मीडियम का हम क्या करते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड भी कर सकते हैं. और दूसरा हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी से. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम वेलोसिटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के फॉर्म में हमने कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इन एयर अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम. जब एयर की अगर लाइट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम मेन तो लाइट का ही बात कर रहे हैं तो लाइट की एयर में हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे और उसको जब हम डिवाइड करेंगे किसी मीडियम की वेलोसिटी से, मतलब अगर वो किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली वो स्लो हो जाएगी. ठीक है, डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, वेलोसिटी हमने एयर में नोट कर ली. एयर में कितनी होती है, 3×10⁸ अपॉन में जो भी हम मीडियम ले रहे हैं उसमें वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे. उस चीज से अगर हमें वेलोसिटी हमें पता लग जाता है मीडियम का तो हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बड़ा आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लो जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम का ग्रेटर देन 1 होता है तो हम क्या कहेंगे, जो सेकंड मीडियम है कहां से ट्रेवल कर रही है, 1 से सेकंड में ट्रेवल कर रही है, तो मतलब सेकंड मीडियम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो फर्स्ट से ज्यादा है, मतलब सेकंड मीडियम डेंसर मीडियम है. अगर ये वैल्यू लेस देन 1 आती है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तो मतलब क्या होगा, जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है वो कम डेंसर है जिस मीडियम से वो आ रही है. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे साइन म्यू एन 1-2 को हम कैसे इलेबोरेट कर सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इसके बराबर है एन 1-2 के. और एन 1-2 को लिखने का तरीका क्या है, एन 2 रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट. ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, और सेकंड इसमें लॉ में क्या बताता है, पहला तो हमारा ये आ गया म्यू इज इक्वल टू साइन या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, चाहे हम म्यू से डिनोट करें चाहे एन से डिनोट करें वो आपकी मर्जी है. ठीक है, तो पहला लॉ तो ये कहता है साइन आई इज इक्वल टू साइन आर बराबर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल ऑफ द सर्फेस तीनों एक प्लेन में लाई करते हैं. अगर ये रिफ्रेक्टेड रे, देखो एक्स वाई प्लेन अगर मैं मानूं तो रिफ्रेक्ट इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड लॉ है स्नेल्स. ठीक है, अब ये भी हमने कर लिया रिफ्रेक्शन और नो रिफ्रेक्शन इन नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, रिफ्रेक्शन होगी होगी, रिफ्रेक्शन के कारण बेंडिंग होती है, बेंडिंग होगी तब रिफ्रेक्शन होगी या नहीं होगी वो एक अलग चीज है. ठीक है, रिफ्रेक्शन सिर्फ चेंज इन मीडियम क्या हो गया, रिफ्रेक्शन. अगर मीडियम चेंज होता है तो रिफ्रेक्शन होगी चाहे एंगल कुछ भी हो. ठीक है, रिफ्रेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर. ठीक है, जब रेयर से डेंसर में करते हैं, अब देखिए डायमंड और वाटर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डायमंड ज्यादा डेंसर है वाटर से. ठीक है, तो लाइट कहाँ से ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयर. जब डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है लाइट तो क्या करती है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ग्रेटर आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जब लाइट रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, एयर से ग्लास में मूव कर रही है, ग्लास क्या ज्यादा डेंसर है, तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो ज्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन. ठीक है, ये है अपना रेयर टू डेंसर रिफ्रेक्शन. ठीक है,
अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास में, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो इंटरफेस आ गए, सबसे पहले एयर ग्लास इंटरफेस और फिर उसके बाद ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब ये फर्स्ट इंटरफेस आ गया, ये सेकंड इंटरफेस आ गया। तो एक ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है उसको पहले हम समझेंगे, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है ये भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए, पहले फर्स्ट इंटरफेस को कंसिडर करके चल रहे हैं, लाइट एंटर कर इंसिडेंट हुई किस एंगल पे, आई वन, ठीक है। और जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। जब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो क्या होगा, उस टाइम मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या है अपना, आर वन, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, एन वन टू इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन आई वन अपॉन में आर वन, ठीक है, साइन आर वन, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एन टू बाय में एन वन, ठीक है। अब सेकंड मीडियम पे देखिए, अब सेकंड इंटरफेस पे देखिए, जो इसका रिफ्रेक्टिव एंगल है वो सेकंड इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आर वन किसके बराबर, आर वन किसके बराबर हुआ, आई टू के, क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल है, ठीक है। तो जो इसका रिफ्रेक्टिव फर्स्ट इंटरफेस के लिए जो रिफ्रेक्टिव एंगल होगा वो सेकेंड इंटरफेस के लिए क्या बन जाएगा, इंसिडेंट एंगल बन जाएगा। और इसको हम R2 मान लेते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं इसको, E से भी डिनोट कर सकते हैं, कई बुक में E से डिनोट किया होगा, मैंने R2 से इसको डिनोट किया, ठीक है। तो सेकंड इंटरफेस में हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, अब लाइट कहाँ से आ रही है, मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो N 21, तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंस एंगल कितना है, साइन I2, जिसको हम लिख सकते हैं R1 भी लिख सकते हैं, R1 लिख दो चाहे इसको, क्योंकि I2 इज इक्वल टू R1 अपॉन में साइन R2, ठीक है, क्लियर। अब हमने एक इसमें एक्सपेरिमेंटल देखा कि हमने यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा लिया, जब हमने प्लेन मिरर लगाया तो हमने ऑब्जर्व किया पाथ, लाइट ने अपना पाथ रिट्रेस करा, जिस पाथ से लाइट आई थी उसी पाथ से लाइट वापस अपना, उसी पाथ पे लाइट अपना मतलब वही पाथ वापस रिट्रेस करेगी लाइट, ठीक है। तो हम इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, लाइट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वन से टू में जा रही है ना लाइट प्लेन मिरर से टकरा के, तो हम क्या बोलेंगे, एन वन से टू में, मतलब हम क्या करेंगे, एन टू बाय एन वन, इस केस में क्या हो गया, एन वन बाय एन, एन टू बाय एन वन करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर टू साइन आर टू अपॉन में एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या है, आई वन या आर वन बोल सकते हो आप, साइन आर वन। अब हम ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी हमारी, ये सेकंड इक्वेशन आई थी और ये थर्ड इक्वेशन आई। अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या आया, एन टू वन इंटू एन वन टू इज इक्वल टू क्या आया, साइन आर वन अपॉन में साइन आर टू इंटू में साइन आर टू अपॉन में साइन आर वन, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आई, वन के बराबर आई, मतलब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इनटू में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब एन टू वन इनटू में एन वन टू किसके बराबर आया अपने पास, वन के बराबर। तो एन टू वन किसके बराबर हुआ, रेसिप्रोकल ऑफ एन वन टू, ये हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको एन वन टू को कन्वर्ट करना है एन टू वन में तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो एन वन टू जो होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ एन टू वन होगा, ठीक है, क्लियर। ये हमारा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें देखिए मतलब क्या है, के सेकंड एन टू वन जो है वो रेसिप्रोकल है एन वन टू का, ठीक है। अब इस अब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेके चलते हैं, हम बाकी चीज को हम रिमूव कर देते हैं यहां से। तो आप देखिए हमारे पास एन वन टू किसके बराबर था, साइन आई वन बाय साइन आर वन, और एन टू वन किसके बराबर था हमारे पास,
साइन आर वन बाय साइन आर टू, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो एन वन टू इंटू में एन टू वन किसके बराबर है, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इंटू में साइन आर वन अपॉन में साइन आर टू। ठीक है, तो आर वन से आर वन कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है वन के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने वन के बराबर पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, साइन आई वन अपॉन में साइन आर टू। तो यहां से हम क्या होगा, आई वन इज इक्वल टू आर टू होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब ग्लास स्लैब के केस में, रिफ्रैक्शन के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है, लाइट डज नॉट, देखो और दूसरा एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट किस पे डिपेंड नहीं करती, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे। तो पहली बात तो हमारी ये क्लियर हुई, जो एंगल ऑफ इमरजेंस और या बेंडिंग जो है लाइट की वो डिपेंड नहीं करती रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, द इमरजेंस एंगल डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। देखिए पहली बात तो हमें ये पता लग गई, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो एंगल ऑफ या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता। और सेकंड चीज देखिए, एंगल इसमें क्या आया हमारे पास, जो इंसिडेंस एंगल था वो इमरजेंस एंगल के बराबर प्रूव किया अभी हमने। ठीक है, तो इसके मतलब, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन जब होती है, ठीक है, ग्लास स्लैब के थ्रू, ठीक है, जब ग्लास स्लैब से कोई लाइट पास करेगी तो उसमें क्या है, उसमें डेविएशन नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर आया, एंगल ऑफ इमरजेंस के, तो मतलब डेविएशन नहीं है, सिर्फ लेटरल शिफ्ट है, मतलब इस लाइट को यहां जाना चाहिए था अगर ग्लास स्लैब नहीं थी तो, मगर और ये कहां जा रही है, यहां पे एंगल अभी भी बराबर है दोनों का, सिर्फ क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुई इसमें, क्या हुआ, सिर्फ लेटरल शिफ्ट हुई, मतलब लाइट यहां से पास करनी चाहिए थी अगर ग्लास स्लैब नहीं होती, बट ये कहां से पास कर रही है, ये इस जो ये शिफ्टिंग हुई है इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे कि लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है और किस चीज से हम, क्या क्या वैल्यू हमें पता हो जिससे हम लेटरल शिफ्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा है एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। ठीक है, हम इसको नंबरिंग डाल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, थिकनेस है, ये ग्लास स्लैब की मैं थिकनेस को टी मान लेता हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारा एल, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, एल डैश। ठीक है, लाइट को यहां से पास होना चाहिए था बट इसमें लेटरल शिफ्ट आ गई, लाइट कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का नाम मैं दूंगा एम और इस पॉइंट को नाम दूंगा मैं एन। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं कि लेटरल शिफ्ट एम एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल मानते हैं, ट्रायंगल एल एम एन डैश, मतलब एल एम एन डैश। ठीक है, ये आई है एंगल, ये आर है रिफ्रेक्टिव एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अपना। ठीक है, आप ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, इस एंगल को मैं मान लेता हूं डेल्टा, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, तो ये डेल्टा किसके बराबर होगा, स्मॉल एंगल ये एंगल है, डेल्टा किसके बराबर हुआ, I1 माइनस R1 के, क्योंकि ये पूरा क्या है, I1 के बराबर है, ये पूरा I1 के बराबर है, तो ये एक हिस्सा कितने के बराबर होगा, I1 माइनस R1 के। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं LMN, LMN डैश को बोल, इसको N डैश मान लो चाहे N मान लो। ठीक है, LMN डैश ट्रायंगल ये है, तो हम इसमें लेते हैं साइन डेल्टा, साइन डेल्टा किसके बराबर आया हमारे पास, एम एन डैश अपॉन में
एम एन डैश अपॉन में एल एम, ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है एम एन डैश, हाइपोटेन्यूज क्या है एल एम के बराबर, ठीक है। तो एल एम किसके बराबर आ गया अपने पास, या एम एन डैश किसके बराबर आ गया, एल एम साइन डेल्टा, ठीक है। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेके चलते हैं, दूसरी ट्रायंगल क्या है, एल एल डैश एम, इन ट्रायंगल एल एल डैश एम मतलब ये ट्रायंगल, इसके अंदर हम लेते हैं कोस आर वन, कोस आर वन क्यों लिया, क्योंकि कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू हमें पता है, तो हम इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, और वन क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें यहां पुट करनी है, LM में पुट करनी है, ठीक है, यहां पुट करनी है वो वैल्यू, इसलिए हमें हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज कहां से निकलेगा, क्योंकि ये थिकनेस हमें पता होगी स्लिट की, तो cos हम लेके चलते हैं cos r1, cos r1 किसके बराबर हुआ हमारे पास, l l डैश अपॉन में LM, l l डैश अपॉन में LM के बराबर हुआ, तो LM किसके बराबर आ गया, एल एल डैश अपॉन में कोस आर वन के, एल एल डैश किसके बराबर है, थिकनेस के, टी के बराबर है, टी अपॉन में कोस आर वन के बराबर, ये वैल्यू हमने उठा के यहाँ पुट कर दी, तो एम एन डैश क्या आ गया हमारे पास, एम एन डैश क्या, लेटरल शिफ्ट, एम एन डैश किसके बराबर आ गया, टी कोस आर वन इंटू में टी कोस आर वन की वैल्यू इंटू में साइन डेल्टा, साइन डेल्टा किसके बराबर है, I1 माइनस आर वन, आई वन माइनस आर वन, ठीक है। अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता हो, अगर सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हो और ग्लास स्लैब की बात कर रहा हो, तो आपको क्या है, म्यू पता है ग्लास का, मान लो 1.5 है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इन्होंने दे दिया आई इज इक्वल टू मान लो 30 डिग्री, तो यहां से आप स्नेल्स लॉ लगा के साइन आई अपॉन में साइन आर कर सकते हो, इससे आप साइन आर निकाल सकते हो, अगर आई की वैल्यू आपको पता है, म्यू की वैल्यू पता है, आप साइन आर निकाल कैलकुलेट कर सकते हो, जब साइन, इससे क्या होगा, साइन आई भी आपको पता था, अब साइन आर भी आपको पता लग गया, तो आप थिकनेस आपको पता ही है इस स्लैब की कितनी है, ठीक है, तो सीधा इस फॉर्मूला में थिकनेस पुट करो और साइन आई और आर की वैल्यू पुट करो रिफ्रेक्टिव एंगल की, तो क्या होगा अपने पास, लेटरल शिफ्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ग्लास स्लैब के लिए, कितनी भी थिकनेस हो, ठीक है, उसके लिए हम लेटरल शिफ्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम करेंगे वो हमारा टॉपिक है, ठीक है बच्चों, अब हमारा टॉपिक है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कंपाउंड प्लेट। अभी हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे और लेटरल शिफ्ट में हमने क्या प्रूव किया कि व्हेन लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्लेट, ए रे ऑफ लाइट never converges nor diverges, but it displays parallel to itself. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर प्रूव किया था, एंगल ऑफ इमर्जेंस की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेंडिंग नहीं हुई लाइट में, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हुई, अपनी पोजीशन, जिसको अगर इसको इस पोजीशन से जाना चाहिए था, ठीक है, तो ग्लास मतलब ग्लास स्लैब से पास होते हुए वो कहां, उसको यहां निकलना चाहिए था, वो थोड़ा सा अपने पैरेलल शिफ्ट हो गई पोजीशन यहां से करी, बट एंगल उसका सेम रहा, ठीक है। तो ये इससे हमें क्या पता लगा कि लाइट ना कन्वर्ज हुई ना डाइवर्ज हुई, सिर्फ डिस्प्लेस हुई है पैरेलल अपने इट्स, अपनी ही इनिशियल पोजीशन से पैरेलल में
थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, जिसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब हम करेंगे कंपाउंड्स, इसके कंपाउंड स्लिट है, मतलब एक से ज्यादा अलग अलग मटेरियल की शिफ्ट है। जैसे पहले मीडियम क्या है, एयर, फिर ग्लास है, फिर वोटर है, फिर डायमंड और फिर जिक्रोनियम। ठीक है, सबका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, देखो डेंसर होता जा रहा है, एयर का सबसे कम, फिर उससे ज्यादा ग्लास का, फिर उससे ज्यादा वोटर का, फिर उससे ज्यादा डायमंड का, फिर उसके डायमंड का ज्यादा है और जिक्रोनियम का कम है। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो जब डायमंड से जिक्रोनियम की तरफ जाएगी तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और जब जिक्रोनियम से दोबारा एयर में आएगी तो लाइट क्या होगा, दोबारा बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम पहले से पहले इस इंटरफेस की बात करते हैं, फर्स्ट इंटरफेस की, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या आगा, एयर टू ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, साइन आई अपॉन में आई वन कर दो इसको, या आई कर दो, साइन आई इक्वल टू साइन आर वन, साइन आई, और ये हमारा आर वन हो गया। जो ये आर वन है, ये दूसरे के लिए सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वॉटर, तो क्या होगा, साइन आर वन अपॉन में साइन आर टू, इसको मैं आर टू मान लेता हूं। जो आर टू है वो डायमंड के लिए क्या होगा, डायमंड वॉटर इंटरफेस के लिए क्या करेगा काम, ये देखो फिंस ग्लास और वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर टू रेयर है ये, तो इसलिए ये नॉर्मल से अवे बेंड किए। अब वॉटर से डायमंड में आएगी तो मतलब फिर रेयर टू डेंसर, अब क्या करेगी, दोबारा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब जो इसका एंगल हम R2 मान रहे थे, वही एंगल ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा R2, और ये R3 मान लेता हूँ रिफ्रेक्टिव एंगल, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉटर टू डायमंड, तो क्या होगा, साइन R2 अपॉन में साइन R3, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड से अब क्या है, जिक्रोनियम में जा रही है, तो क्या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसर टू रेयर, तो दोबारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डायमंड टू जिक्रोनियम, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये इसको मैं आर फोर मान लेता हूँ एंगल को, तो साइन और एंगल ऑफ इसका रिफ्रेक्टिव एंगल है वो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, तो साइन आर थ्री अपॉन में साइन आर फोर। ठीक है, और अब जिक्रोनियम से एयर की बात करते हैं, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिक्रोनियम टू एयर क्या होगा, जो R4 है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा और ये एंगल ऑफ इमरजेंस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, साइन ये आ गया R4, तो साइन R4 अपॉन में साइन E, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होता है, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एयर टू ग्लास इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एयर टू ग्लास इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास टू वॉटर इंटू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉटर टू डायमंड अपॉन में इंटू में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड टू जिक्रोनियम एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिक्रोनियम टू एयर इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन आई अपॉन में साइन ई, और साइन ई और साइन आई क्या है, बराबर है, तो किसके बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा, आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स दी होगी, उसमें पूछ लेगा कि वाटर डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, आपको किसी का भी पता है, मान लो एयर ग्लास का पता है, ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, या आपको मान लो तीन स्लाइड देता है, दो स्लाइड देता है, जो भी देता है, आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दो का पता है, तीसरे का आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, इसका फाइंड करना, मान लो ये तीन स्लाइड दी हुई है, दो हट जाएंगे इसके अंदर से, इनका आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल में ले जाओगे बन के और वैल्यू निकाल लोगे, तो आपको वाटर वॉटर डायमंड इंटरफेस का जो है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको पता लग जाएगा, दोनों का रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, रियल डेप्थ अवेयर सम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज है वो अपने पास क्या क्या है। सबसे पहले एपरेंट डेप्थ, आपने देखा होगा कि जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करती है तो ये क्या कहा जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होती है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ये ब्रिक है जो आपको यहाँ पे रखी हुई है, तो यहाँ से जब लाइट पास होगी, ब्रिक से जब लाइट हम
डायग्राम बनाते हैं, जब लाइट पास होगी तो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है लाइट, ठीक है। तो जब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ठीक है, जिसके कारण जब हम जो देखने वाला बॉडी है, चाहे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो हम कहाँ, हमें कहाँ वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में जहाँ पे दोनों लाइट मीट करेगी। तो हमें ये ब्रिक है जो थोड़ा सा इसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसकी हमें वर्चुअल इमेज दिखती है, जैसे आपको ये आपको दिख रहा है एग्जाम्पल में, ये शिप की जो ये फिश है, इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है ये वाली, बट वॉटर में देखने पर हमें ये कहाँ दिख रही है, यहाँ, क्योंकि ये लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, रेयर में जब ट्रेवल करेगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, तो इसकी हमें अपेरेंट पोजीशन क्या दिखेगी, ये वाली, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि हाँ भी मैथमेटिकली इसको हम कैसे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ जो है हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें रियल डेप्थ पता हो, ठीक है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, ये पॉइंट कोई एक्चुअल इसकी जो डेप्थ है वो ये वाली है, ओ वाली, ए ओ जो है वो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ अपेरेंट डेप्थ है, इसको मैं डी डैश का नाम दे दूंगा, ठीक है। ए आई जो है पॉइंट, ये हमारा अपेरेंट पोजीशन है। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, ट्रायंगल। अब ये देखिए, डी हमने ऑब्जर्व किया, डी क्या है हमारा, रियल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, और डी डैश क्या है हमारी, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल आई, आई तो हम क्या करते हैं, साइन आई को हम आई मान सकते हैं, और जब एंगल आई स्मॉल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लाइट यहां से इंसिडेंट करी, ये हमारा रिफ्रैक्टिव एंगल आर है, ठीक है, ये आर है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल ये भी हमारा आर होगा, ठीक है। तो हम ट्रायंगल लेके चलते हैं ए ओ बी, ए ओ बी के अंदर साइन आई किसके बराबर हुआ हमारे पास, परपेंडिकुलर मतलब ए बी अपॉन में बेस हाइपोटेन्यूज बी ओ, ठीक है, ए बी अपॉन में बी ओ, तो ए बी किसके बराबर है हमारा, इसको ए बी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और ये बी ओ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ए आई यहां से साइन आर निकालेंगे, साइन आर हमारा किसके बराबर आया, बी आई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, ए बी अपॉन में बी आई, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन में साइन आर किया तो हमारा क्या होगा, ए बी अपॉन में बी ओ इंटू में ए बी अपॉन में बी ओ इंटू में क्या आ गया हमारे पास, ए बी अपॉन में बी, ए बी अपॉन बी ओ, और साइन आर की वैल्यू हमने पुट करी तो बी ओ ऊपर आ जाएगा, बी आई, बी आई अपॉन में ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम हमारा क्या आ गया, बी आई, बी आई अपॉन में बी ओ। फॉर स्मॉल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल है तो बी आई जो है, बी आई को हम ए आई के इक्वल पुट कर सकते हैं, बी आई को हम ए आई के बराबर पुट कर सकते हैं, म्यू टू वन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी आई को हमने ए आई पुट कर दिया और बी ओ को हमने ए ओ पुट कर दिया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है,
सेकंड से फर्स्ट की तरफ है, तो म्यू वन टू क्या हो जाएगा, एओ अपॉन में ए आई। एओ क्या है हमारे पास, एक्चुअल डेप्थ, और ए आई क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो यहां से ये तरीका भी हमारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, ठीक है। अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता हो और एक्चुअल डेप्थ पता हो तो हम एपरेंट डेप्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन में रियल डेप्थ पता हो और एपरेंट डेप्थ भी पता हो तो हम उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, म्यू वन टू इज इक्वल टू डी अपॉन में डी डैश। डी क्या है, एक्चुअल डेप्थ, और डी डैश क्या है हमारा, एपरेंट डेप्थ। तो इस तरीके से हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं और एपरेंट डेप्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब ये बात करते हैं सेकंड फिनोमेना की। सेकंड फिनोमेना हमारे क्या है, रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के दौरान हमें क्या होता है कि जब सनराइज की बात करें तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है, लगभग 2 मिनट का डिफरेंस होता है कि अभी सन जो है वो राइज नहीं हुआ है बट आपको वो दिखने लग जाएगा। वो किस कारण होता है, ये 2 मिनट का फर्क होता है, वो किस कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम से समझते हैं, मान लो सन अभी ऊपर आया नहीं है, ठीक है, तो सन से लाइट आ रही है हमारे पास। अब हमें पता है एटमॉस्फेयर के हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती है, तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या होगा, रेयर होगी, मतलब उसमें पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर के बाहर ना कोई पार्टिकल है ना कोई डस्ट है कुछ नहीं है, तो वो वाली लेयर क्या होगी, उससे नीचे वाली लेयर के कंपैरेटिव क्या होगी, रेयर होगी, ठीक है। तो लाइट यहाँ क्या कर रही है, रेयर से डेंसर में ट्रेवल कर रही है, तो क्या होगी, बेंड होगी इस तरफ, नॉर्मल की तरफ ये बेंड हो गई। अब इस लेयर के मुकाबले में ये लेयर ज्यादा डेंसर है, फिर दोबारा बेंडिंग होगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, फिर बेंड हो गई। अब इस लेयर से ये वाली लेयर ज्यादा डेंसर है, फिर बेंडिंग होगी, ऐसे करते करते जब ये हमें, हम इसको देखेंगे तो हम क्या स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में सन कहाँ है, इस पोजीशन पे, बट हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, वो इस पोजीशन पे, इसीलिए सनराइज, और यही सेम प्रोसीजर सनसेट के टाइम में होता है। सनसेट में क्या है, सनराइज में यहाँ है सन, हमें दिखने लग गया यहाँ पर रिफ्रैक्शन के कारण, ऐसे ही सनसेट में सन जो है वो होरिजन से नीचे जा चुका बट अभी भी हमें ये ऊपर दिख रहा है, ये भी किस कारण है, रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि रेयर टू डेंसर ट्रेवल करेगी लाइट तो क्या होगा, बेंडिंग होती जाएगी, और जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो हम कहां देख सकेंगे उसे, स्ट्रेट लाइन। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कहां दिखता है, जिस डायरेक्शन से लाइट हमारी आंखों में आती है उसी डायरेक्शन में हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां है, यहां, बट हमें दिखाई दे रहा है यहां पे, ये भी किसके कारण है, रिफ्रैक्शन की एक एप्लीकेशन है, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको दो पढ़ लिए, अब अगली बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको, ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।